हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम अभिलाषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी अभिलाषा। गाइस, आज मैं फिर से आप लोग के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड एंड क्लासी साड़ी लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले पता है ना क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करने में थोड़ी सी भी कंजूसी ना बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए गाइस, वो साड़ी कैसी आई है और कैसी है आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको इसकी डिटेल अच्छे जानी है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। Let's get started. ये है मेरी साड़ी जो मैंने Amazon से buy किया है। ये साड़ी आपको Flipkart पे भी मिल जाएगी, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे इसकी लिंक तो मैंने डाली रखी है। तो चलिए, मैंने इसे ओपन कर रखा था बट अंदर से मैंने अभी तक नहीं देखा है कि ये कैसी आई है। साड़ी कलर इतनी प्यारी है ना, आप देख सकते हो मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है। चलिए इसे अच्छे से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमें रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ब्लाउज पीस और साड़ी रिसीव हुई है। तो चलिए हम पहले ब्लाउज पीस की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप ब्लाउज पीस, पूरी ब्लाउज पीस सिंपल है ये, जो कि मस्टर्ड कलर में है और कहीं से इसके बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिए हुए हैं। इनफैक्ट आप इसे ना कैसे भी सिलवा सकते हो, ऐसा नहीं झंझट रहेगा ना कि बाजू में इसका बॉर्डर दिलवाना है या कमर के पास दिलवाना है। और आप इस पर लेस भी लगा के सिलवा सकते हो, अच्छा लगेगा ये। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना तो बहुत अच्छी है, उतनी भी ख़राब नहीं है। और जस्ट मैंने इसे 399 में बाई किया, यानी 400 में अगर ये मुझे साड़ी और ब्लाउज़ अच्छी मिल रही है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो ये 8 सिल्क में है, तो ठीक ठाक ही मुझे लगी है इसकी ब्लाउज पीस। अगर थोड़ी सी प्रिंटेड अगर जो साड़ी में दी हुई है ना इसमें दी रहती तो ज़्यादा अच्छी लगती, बट ओवरऑल ठीक ठाक ही है। अब चलिए साड़ी देख लेते हैं कि वो कैसी आई है। ब्लाउज पीस ठीक ठाक ही लगी, उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी है, तो ठीक है। अब साड़ी देख लेते हैं कि साड़ी कैसी आई है। सो फ्रेंड्स, ये है साड़ी। जो पूरी ये साड़ी ना आपको प्रिंटेड में मिलेगी, मस्टर्ड पे प्रिंटेड का काफ़ी अच्छा ये कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस साड़ी में ना दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको ये प्रिंटेड मिल जाएगी और ये प्रिंट की हुई है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये धोने के बाद निकलेगी, बट ठीक है। और इसकी प्रिंट अगर मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, ऊपर वाली इसकी प्रिंट कैसी है नज़दीक से दिखा देती हूँ। इसके ऊपर वाली मतलब जो आप पूरे कमर में अगर खोसोगे ना तो ये वाली अंदर चली जाएगी और पूरे साड़ी में आपका ये फ्लावर प्रिंट आएगा। गाइस, आप देख सकते हो नीचे भी कितनी अच्छे से प्रिंट दी गई है। दो तोता है जो पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये आपको ओवरऑल पूरे साड़ी में मिल जाएगी। नीचे की जो डिज़ाइन है इसकी, आपको ये पूरे साड़ी में मिल जाएगी सिर्फ नीचे की तरफ से। और कहीं से भी ये साड़ी ना आपका खाली नहीं रहेगा, बीच बीच में आपको ये पिंक कलर के फ्लावर बने मिल जाएंगे और नीचे से ये पैरोट डिज़ाइन जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है यार। यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा ये पीकॉक प्रिंट और ऊपर भी आपका ये पूरे साड़ी में मिलेगा। ये आप देख सकते हो पूरे साड़ी में आपका ये इस टाइप का डिज़ाइन मिल जाएगा और बीच बीच में आपको ये पिंक कलर का फ्लावर मिल जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी आंचल की। आंचल मुझे इसका रेड कलर में रिसीव हुआ और कितनी प्यारी यार आंचल, वाओ सो प्रीटी ना, वाओ सो प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत लगी है मुझे ये रेड पे ना टर्कोइज कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और दो बड़े बड़े तोते मिल रहे हैं इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और फिर ये आपको नीचे से टेसल मिल जाएगा फ्रेंड, जो आपके आंचल में रहेगा, सिर्फ आपके आंचल में ये टेसल रहेगा जो पूरी साड़ी को ना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस साड़ी की फैब्रिक की बात करूँ ना तो ये भी 8 सिल्क में है और आजकल 8 सिल्क साड़ी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चले हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको तो मैंने बताया था ना कि मैंने इसे कितने में बाई किया है, 399। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ना मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी है। और इस टाइप की साड़ी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप अपनी मम्मी को या सासू माँ को किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। फैब्रिक भी बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं है इसकी।
और इस टाइप की साड़ी को भी ना आप हैंड वॉश कर सकते हो, मशीन वॉश के लिए ये नहीं है, आप इसे हैंड वॉश कर सकते हो और इसकी प्रिंट और फैब्रिक दोनों ख़राब होने वाली नहीं है। तो इस चीज़ से तो मुक्ति मिल गई। हम लोग को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कोई साड़ी लेने में कहीं इसकी फैब्रिक और कलर ना निकले, बट मुझे नहीं लगता है कि इसकी कलर निकलेगी। और साड़ी फ्रेंड्स 5.5 मीटर है जो कि अच्छी है। और ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर की ब्लाउज पीस मुझे रिसीव हुई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसका ब्लाउज पीस, थोड़ा कम ही है। फ्रेंड्स मुझे तो ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लगी है ना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं ना जल्दी जल्दी साड़ी को पहन करके आती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी लगी ये साड़ी और मैं खुद चाहती हूँ कि इसे फटाफट पहन करके आऊँ। जब तक मैं साड़ी को पहन करके आ रही हूँ ना, तब तक जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबा दिया करिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर किया करिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो के पीछे यार, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना। तो आप लोग तब तक मेरे वीडियो को लाइक करो, मैं आती हूँ साड़ी पहन करके। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसको भी वेयर कर ली और ये भी काफ़ी लाइट वेट है पहनने पे, बहुत हैवीनेस आपको फील नहीं होने वाली है। और अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप इसको आराम से पहन सकते हो, डेली यूज़ के लिए भी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और बहुत ही स्टाइलिश और क्लासी लुक दे रही है, सो मेरे तरफ से तो वाव है, आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे प्लेट बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये बॉर्डर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, पैरोट वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये पूरे साड़ी का ये लुक ही चेंज कर दे रहा है, ऊपर से ये कलर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, मस्टर्ड कलर। सो फ्रेंड कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है ना ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबा दिया करिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो लाइक बिना किए ना एकदम नई वीडियो छोड़िएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।